किससे मिले थे, किस विषय पे मिले थे और क्या आपकी बात हुई थी जी बताएं। हम लोग 1 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री से इस संबंध में मिले थे। एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में गया था हमारे साथ और SC ST के संबंध में कि भर राज भर जात ये का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। ये लगभग 2020 में हम इस संबंध में पहल किए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय थे तत्कालीन स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने मैं उस पर चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि आप लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे। हमने कहा चुनाव लड़ने का विषय अलग है, हमें MLA हो जाएंगे, MP हो जाएंगे, अनिल हो जाएंगे, ओम प्रकाश हो जाएंगे, सारे लोग हो जाएंगे, हम अपना परिवार बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। यह बड़ा दूरगामी मामला है, अगर यह हो जाता है तो हमारे पूरे समाज का हित होगा, इसलिए आप इसको लिखिए। तो उन्होंने वो रिपोर्ट लिखा, उस पर आदेश किया समाज कल्याण प्रमुख को, सचिव को। तो प्रमुख सचिव ने एक रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने पॉजिटिव थी उसको, ये कुछ लड़के पढ़े लिखे थे, ये जागो जो संगठन बनाए हैं राजभर, इन लोगों से हमने कहा इतना लिंगर करेगा बहुत तो सरकार करेगी नहीं, आप लोग कोर्ट जाइए। तो कोर्ट ने उसमें एक आदेश किया 2022 में, 2022 में, तो 2 महीना के अंदर रिपोर्ट मांगा, तो रिपोर्ट पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। फिर इसके बाद कंटेम्प्ट हुआ, कंटेम्प्ट के आधार पर फिर शासन को आया, तो वहाँ पर सर्वे हुआ, सर्वे के बाद रिपोर्ट पेंडिंग में रही और उसी संबंध में हम लोग रक्षा मंत्री से मिले और कि यह हम लोगों के समाज की बात है या कोर्ट द्वारा आदेश है, कंटेम्प्ट का आदेश है, यह RGI की रिपोर्ट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट है और यह गौंड कम्युनिटी के जिसमें 60 जातियाँ सम्मिलित हैं उसमें भर राजभर भी है, इस संबंध में साहब ये आर्डर है, इसकी पहल होनी चाहिए, ये पूरे समाज के हित की बात है। तो उस संबंध में उन्होंने स्पष्ट कहा यह है कि अभी आप लोगों का इस विषय पर राज्य सरकार से आप लोग भिजवाइए, क्योंकि मैं वसीम अरुण को कह दे रहा हूँ, अगर प्रमुख सचिव समाज कल्याण से है तो वहाँ के प्रमुख सचिव से अगर सर्वे हो गया है तो आप लोग रिपोर्ट भिजवाइए। बल्कि मैं यह भी कहा कि कुछ नेता हमारे समाज के हैं कि रिपोर्ट भिजवा दें भारत सरकार के, तो उन्होंने कहा कोई रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं आई है, जब तक राज्य सरकार से नहीं आएगी तो भारत सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। आगे क्या प्रस्ताव दिया, आगे क्या बात हुई? आगे बात यही हुई कि आए हम लोग आज के डेट में अभी 1 बजे तो समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से मिले हम लोग, हम राज्यसभा सांसद सकलदीप रहे और समाज के लोग प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले, जागो राजभर संगठन भी था और कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों के साथ मिले, उनको एक ज्ञापन दिए और आर्डर की कॉपी दिए और पूरा विवरण बताए यह है और सर्वे हो गया, इसको आप गंभीरता संज्ञान में लीजिए और क्या कोई प्रस्ताव गया। उन्होंने कहा कोई प्रस्ताव अभी नहीं गया है, हम अभी वह सर्वे होकर पड़ा हुआ है, हम 1 हफ्ते के अंदर मंगवा कर इसकी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और ऐसा मंगवाएंगे कि मतलब वह आप फिर डिफीट ना आप लोग करें। इतने दिनों से लापरवाही चल रही थी, अभी तक कोई आदेश नहीं आया था, अब फिर से आपने जब दिया है तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब मैं फिर से आगे के लिए कार्रवाई करूंगा, ये शब्द बोला? नहीं, कार्रवाई नहीं, उस पर प्रयास ही नहीं लोग किए, झूठा उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार को भेजवा दिए राज्य सरकार से मुख्यमंत्री से, ऐसी कोई उन्होंने कहा ऐसा कोई अभी यहाँ से प्रस्ताव नहीं गया है और हमारे यहाँ से प्रमुख सचिव के यहाँ से इस संबंध में ST के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं गई है सर्वे की, तो इस तरह कोई प्रस्ताव नहीं गया है। अभी हाल में और एक नेता भेजवा दिया गया और केंद्र में पूछा गया, वहाँ माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कोई प्रस्ताव नहीं है भारत सरकार, तुम लोग पहले वहाँ से भेजवाओ। अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं आगे? हम ये चाहते हैं कि या कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो साक्षर, अगर हम उस दायरे में आते हैं संवैधानिक है तो इस समाज को हक मिलना चाहिए और यही हमारा निवेदन रहेगा भारत सरकार से राज्य सरकार से कि अगर हम उस दायरे में हैं संवैधानिक है दायरा तो हमारा भेजा जाए और हम लोगों को हक मिलना चाहिए।